दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपको टाटा हैरियर का एक नाइट ड्राइव रिस्पांस दिखा रहे हैं। अगर आपको इस गाड़ी के किसी भी और एस्पेक्ट के बारे में जानना हो, इंजन, परफॉर्मेंस, पावर, स्टीयरिंग, कुछ भी, तो आप दूसरी वीडियोस पे जा सकते हैं। उसके अंदर आपको हैरियर की ऑटोमेटिक की सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको मैनुअल का रिव्यू चाहिए तो कुछ टाइम वेट करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दें, मैनुअल का वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है। माफ़ी चाहूँगा थोड़ी सी वॉइस अगर ख़राब आ रही है। इस टाइम एक तो बारिश आ रही है और दूसरा डिफॉगर ऑन है। तो चलिए ड्राइव को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इसका ओवरऑल रिस्पांस। तो इस टाइम आप देख पा रहे हैं ओवरऑल रिस्पांस कुछ ऐसा आ रहा है। नाइट टाइम में इको मोड में मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ और पूरी इल्यूमिनेशन भी आप देख पा रहे हैं। बाकी लाइटिंग सेटअप भी आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसी इल्यूमिनेशन है रोड पर। बाकी ये लो बीम है और ये हाई बीम आपके सामने है। कैसा लगा आपको लाइटिंग रिस्पांस ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप देख सकते हैं नाइट में इल्यूमिनेशन इंटीरियर की काफ़ी अच्छी रखी गई है और ये आप देख सकते हैं नाइट ड्राइव में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा है ड्राइव करते हुए। बाकी हाई बीम की तो मेरे को ज़रूरत अभी है नहीं, लो बीम में ड्राइव करते हैं गाड़ी को। और ओवरऑल नाइट लाइट रिस्पॉन्स मेरे को इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, हेडलाइट रिस्पॉन्स अच्छा होने का एक स्पेसिफिक रीज़न भी है। इसकी जो लो बीम में लाइट यूज़ हो रही है वो है ज़ेनॉन HID विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। तो ये वाला लाइटिंग सेटअप काफ़ी अच्छा बैठ रहा है इसका। आप देख पा रहे हैं प्रॉपर एक बीम फॉर्म हो रही है रोड के ऊपर और हाई बीम में हेलोजेंस का यूज़ किया गया है। बाकी फॉग लैम्प्स का रिस्पॉन्स आपको मैं दिखा ही चुका हूँ और फॉग लैम्प्स में कॉर्नरिंग फंक्शन जो दिया गया है वो भी एक काफ़ी अच्छा फीचर बन जाता है अगर बात करें स्पेसिफिकली उनकी लाइटिंग की। तो बाकी अगर बात करी जाए इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स की तो आपकी जीप की कंपस और MG की हेक्टर, ये दो गाड़ियाँ इससे डायरेक्ट राइवल हैं। और ये गाड़ी अभी तो करेंटली सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन में अवेलेबल होती है, बट कुछ टाइम में इसका पेट्रोल इंजन भी आ जाने वाला है। तो पेट्रोल इंजन आने के बाद ये पेट्रोल इंजन से भी कम्पीट करेगी। और उसके अलावा इसका एक्सटेंडेड 7-सीटर वर्जन जो है टाटा सफारी, उसके कॉम्पिटिटर्स कुछ अलग हैं बट वो भी सेम इंजन के साथ और काफ़ी चीज़ें उससे सिमिलर है उन्हीं चीज़ों के साथ वो भी परफॉर्म करती है। बाकी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। नाइट लाइट रिस्पांस आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाई बीम में एक अच्छा खासा रिस्पांस बन जाता है, यहाँ आप फ़र्क नोट कर पा रहे हैं। बाकी इस टाइम मैं नाइट में गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे किसी भी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है इस सेगमेंट की एक गाड़ी के लिए। बाकी आप देख सकते हैं सामने मेरे क्रेटा है। क्रेटा और इसके ड्राइविंग फील में, फीडबैक में, इंजन में, काफ़ी सारी चीज़ों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं बस इस गाड़ी के ह्यूमंगस होने की वजह से। दोस्तों ह्यूमंगस होना एक प्रो है एक कॉन है, वो आपको देखना है कि आपके लिए वो कितनी बड़ी चीज़ है और कितना आपके लिए पर्सनली वो चीज़ मैटर करती है। आप देख सकते हैं मेरे को अराउंड 1 वीक हो गया इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए और मुझे पर्सनली इस गाड़ी के साथ हर एस्पेक्ट में मज़ा आ रहा है। आप बता सकते हैं कि अगली वीडियोस आपको किस गाड़ी के ऊपर चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि उसी गाड़ी के ऊपर आपके लिए वीडियोस लेके आई जाए। उसके अलावा अब इस टाइम कोई भी एक्सटर्नल लाइटिंग गाड़ी पे नहीं पड़ रही है, विंडस्क्रीन आपके सामने, आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को। लाइट ऑन करते हैं, हम आपको लाइटिंग रिस्पॉन्स दिखाते हैं कि ड्राइवर को कितना रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये देखिए इस टाइम DRL ऑफ हो चुके हैं, ये है आपका रिस्पॉन्स लो बीम का, ये हाई बीम का रिस्पॉन्स है, डिपर में कुछ ऐसा रिस्पॉन्स रहता है। तो चलिए आप चलते हैं ड्राइव पे और बात करते हैं इसके ओवरऑल रिस्पांस की। दोस्तों रोड्स थोड़ी रफ हैं तो उस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बाकी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। हिल्स पे इस टाइम हम गाड़ी चला रहे हैं और ये देख सकते हैं आप लाइटिंग रिस्पॉन्स आपके सामने। आपको बाहर का व्यू ज़्यादा दिखाते हैं ताकि आपको ओवरऑल लाइटिंग का एक फीडबैक पता लग सके। ये देखिए इस टाइम गाड़ी लो बीम के ऊपर चल रही है और कुछ ऐसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह टाइम टू टाइम अपना काम पूरा कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है अगर मैं लाइट को ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए इतनी लाइट DRLs की है, ये देखिए ये लाइट DRLs की है अगर आपको विजिबल हो पा रही हो। बाकी हम लो बीम पर ड्राइव करते हैं और थोड़ी देर बाद हाई बीम पर जाएंगे ताकि आपको दिखा सकें क्या फ़र्क आ रहा है ओवरऑल ड्राइव के दौरान। एक और लाइटिंग का फीचर आपको बता देता हूँ, हालांकि ये काफ़ी कॉमन फीचर है और काफ़ी सारी गाड़ियों में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इस टाइम बीम 3 पे करी हुई है मैंने और
वन पे करते ही लाइट फैलती हुई आपको दिख रही होगी, तो ये कुछ फ़र्क आ जाता है। बाकी हाई बीम लो बीम का तो आप सभी को पता ही है। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं बाकी चीज़ों की। बाकी दोस्तों नाइट में कैमरा का रिस्पॉन्स कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं काफ़ी सही क्लैरिटी आ रही है। हालांकि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब अपना काम कर रही हैं, बट ओवरऑल कैमरा क्लैरिटी की अगर बात करूं तो मुझे अच्छी देखने को मिल रही है नाइट टाइम में। चेक करते हैं इसका लाइट्स का थ्रो कैसा है। सबसे पहले आपको थ्रो दिखाते हैं, एक बार फ्रंट पे ले आते हैं कैमरा को, मैं हट जाता हूँ और आपको दिखाते हैं ओवरऑल रिस्पॉन्स लाइटिंग। तो दोस्तों आपने देखा बारिश का टाइम है और वॉइस क्लिप्स थोड़ी सी ख़राब आ रही थी, तो वॉइस ओवर करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम DRLs कैसे अपना फंक्शनिंग कर रहे हैं। बारिश इस टाइम आ रही है और आप देख सकते हैं कैमरा भी लाइट को काफ़ी ज़्यादा फैला रहा है। बाकी रिस्पांस कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं काफ़ी सही रिस्पांस देखने को लग रहा है और हाई बीम हो चाहे लो बीम हो दोनों ने किसी भी तरह से मुझे निराश नहीं किया है। और जो फॉग लैम्प्स की मैं बात कर रहा था उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो दोस्तों इसमें फॉग लैम्प कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ प्रोवाइड कराए गए हैं। आप इस टाइम देख सकते हैं आपको फॉग लैम्प्स ऑफ दिखाई दे रहे होंगे और जैसे ही स्टेयरिंग को टर्न किया मैंने राइट साइड पे, तो आपके सामने राइट का फॉग लैम्प इल्यूमिनेट हो चुका है। और अब टर्न करते हैं उसे लेफ्ट साइड पे और आपको दिखाते हैं, तो ये देखिए लेफ्ट का फॉग लैम्प ऑन हो चुका है और राइट का ऑफ हो चुका है। तो ये कुछ कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आते हैं इस गाड़ी के फॉग लैम्प्स। बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है नाइट ड्राइव रिस्पॉन्स में ज़रूर बताएं। और एक बार हेडलैम्प्स दिखा दिए हैं तो टेल लैम्प्स भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग ब्रेकिंग और बाकी सभी चीज़ों के एस्पेक्ट्स आपके सामने हैं, कैसी इल्यूमिनेशन इसमें आ रही है। एक बार रिवर्स लैम्प जला देते हैं तो ये देखिए कुछ इतनी इल्यूमिनेशन ये करता है। इसके अलावा ब्रेकिंग दिखा देते हैं और इंडिकेटर्स को भी ऑन कर देते हैं तो मैक्सिमम लाइटिंग गाड़ी में आप इतनी देख सकते हैं, कुछ ऐसा रिस्पॉन्स है। एक बार आपको क्लोज लुक दिखा देता हूँ, तो ये आपके सामने है रिवर्स लैम्प, ये पार्किंग के लिए, ये ब्रेकिंग और ये इंडिकेटर। ऊपर देखें तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प प्रोवाइड कर दिया गया। ये कुछ इल्यूमिनेशन है इस गाड़ी की ओवरऑल एक्सटीरियर की। अब आपको लेके चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, बट इंटीरियर पे जाने से पहले आपको एक बार हजार्ड लैम्प्स की आपको लुक दिखाना चाह रहा था और इसके अलावा एक बार इंटीरियर की लुक भी ज़रूर दिखा देता हूँ। और देखिएगा यहाँ पे हालांकि एक चीज़ मिस करी गई है जो कि है एम्बियंट लाइटिंग, बट उसके अलावा सभी चीज़ें फिट एंड फाइन अपनी जगह पर काफ़ी अच्छा काम करती हैं। डोर्स के ऊपर भी लाइट्स दी गई हैं और नीचे रोड पे इल्यूमिनेशन भी आती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करती है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे मैं अभी हूँ। और आप देख सकते हैं इंटीरियर में LED लैम्प्स का यूज़ किया गया है। लेदर सीट्स वगैरह बाकी सभी फ़ीचर्स की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, ये आप देख सकते हैं। बाकी आप अपने स्पीडोमीटर की और टच स्क्रीन सिस्टम की दोनों की ब्राइटनेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इनमें कलर भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। ये तो कुछ बात हो गई फ्रंट की, अब आपको लेके चलते हैं रेयर की तरफ। बाकी डोर को एक बार बंद कर देते हैं, आप देख सकते हैं कितना अंधेरा इस टाइम हो रहा है और रेयर डोर ओपन करते ही मुझे दिख गया कि नीचे कुछ है या नहीं। रेयर में भी आपको LED लाइट्स दी गई हैं बट सनरूफ की वजह से दोनों साइड में एक एक लाइट देखने को मिलती है और रेयर से कुछ ऐसा लुक आता है हैरियर का नाइट टाइम में। बाकी दोस्तों अगर कोई एस्पेक्ट इस वीडियो में रह गया हो तो आप कॉमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। लास्टली आपको एक बार लुक दिखाना चाहूँगा इस गाड़ी की नाइट टाइम में कैसी लुक आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम स्ट्रीट लाइट्स के अंदर आपको गाड़ी की लुक दिखा रहा हूँ और हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स ऑन है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ये भी चीज़ मुझे कि आपको इस गाड़ी की लुक्स डे में, नाइट में, लाइट्स की लुक्स और ओवरऑल लुक्स के मामले में टाटा हैरियर आपको कैसी लगती है। क्यों पूछ रहा हूँ आपसे ये भी बता देता हूँ, पर्सनली मुझे टाटा हैरियर की लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और आपके थॉट्स सेम चीज़ के ऊपर मैं जानना चाह रहा हूँ। 360 डिग्री आपको दिखा दिया है और काफ़ी सही लुक्स के साथ ये गाड़ी आपको प्रोवाइड की जाती है। ये आप देख सकते हैं एक बार हेडलैम्प्स का क्लोज लुक। बाकी आपको हेडलैम्प्स के बारे में सारी क्लैरिटी इस वीडियो ने दे दी होगी ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं LED टर्न इंडिकेटर्स, ये देखिए। और टेल लैम्प्स की भी लुक एक बार थोड़ी सी लाइट में भी दिखा देते हैं क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब दिखाया था तो वहाँ थोड़ी सी लाइट फैल रही थी। तो ये आप देख सकते हैं टेल लैम्प्स की कुछ लुक्स। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीट बेल्ट लगाए रखें और अपना ध्यान रखें।